एसटी ओबीसी को लेकर जो न्यायाधीश हैं हमारे, उनका क्या मानना है उसके बारे में बताएं। देखिए, जो भारत के जितने भी न्यायाधीश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जी, वो सभी संविधान से बाहर नहीं जा सकते। जी, जब संविधान की बात होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। जी, लॉ में अगर कोई एम्बिग्यूटी हो तो उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वो कानून नहीं बना सकते। जी, संविधान में प्रदत्त जितने भी अधिकार हैं जो कि एस सी एस टी ओ बी सी को मिले हुए हैं, उन अधिकारों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना निर्णय दे सकते हैं। जी, परंतु करंट जो आज का परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट के पास सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो सुनने की बात होती है, परंतु जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया जिसको कॉलिजियम सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने उत्तराधिकारियों को घोषित करता है कि ये है भविष्य के हाई कोर्ट के जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और इसी कॉलिजियम सिस्टम के कारण अभी तक एससी एसटी ओबीसी का जो उचित प्रतिनिधित्व है सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पा रहा है। जी, और जब इन लोगों का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जी, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी को ही हो रहा है। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के कारण अगर कॉलिजियम सिस्टम को अडॉप्ट करती है, जी, तो उसको वंचित तबके को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। जी, परंतु क्या हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व मिल चुका है? सवाल यह है। जी, क्या वो हमारी भावनाएं या हमारी परेशानियां आज सुप्रीम कोर्ट समझ पा रहा है? जी, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चार जजिस आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो कमियां हैं उनको सामने रखते हैं और ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार कुछ केसेस कुछ जजों को अलॉट किए जा रहे हैं। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया अचानक ही गरीबों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, एससी एसटी कम्युनिटी के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ आता है। एससी एसटी एक्ट में सेक्शन 18 जो कहता है वो कहता है कि बार ऑफ एंटीसिपेटरी बिल, यानी कि जिस भी अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति अत्याचार कारित करता है तो उसे न्यायालय एंटीसिपेटरी बिल नहीं देंगे, अग्रिम जमानत नहीं देंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि नहीं, यह जो ये प्रावधान है वह गलत है और ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट यह भूल गया कि इस प्रकार जब एनएसए लगती है, एनडीपीएस लगती है, मकोका लगती है, टाडा लगती है, तो उन सब में इस प्रकार के प्रावधान है। जी, दूसरी बात, जब एससी एसटी को दो जजिस, जब जस्टिस यू ललित और दो जस्टिस गोयल इस पूरे मुकदमे को इस प्रकार ट्रीट करते हैं कि जैसे जितने भी मुकदमे एससी एसटी एक्ट के अंदर में दर्ज होते हैं वो सारे फेक होते हैं, उनमें से एक भी परसेंट सच्चाई नहीं है, परंतु उस वक्त उन्होंने ये बात वह भूल जाते हैं कि बथानी टोला में क्या हुआ, फूलपुर बाथे में क्या हुआ, खेल लांजी में क्या हुआ, जवखेड़ा में क्या हुआ, सुनपेड़ में क्या हुआ, दादरी में क्या हुआ, इन चीजों का संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी नहीं लिया गया। और इस जजमेंट के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गई कि जितने भी लोग हैं एससी एसटी के वो सभी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो मानसिकता है, एक कानून जो है सुप्रीम कोर्ट, जो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून को बनाकर सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को बनाकर एक एससी एसटी जो समाज है उसके हितों की रक्षा करने का काम कार्यपालिका ने किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्रक आउट करते हैं वहां पर वो जो व्यक्ति था जो सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो वो सिर्फ बेल के लिए गया था। जी, और जब वो बेल के लिए गया, वो जमानत लेने गया था, कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए नहीं गया था। जी, या तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें बेल उन्हें देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया कि पूरा का पूरा एक्ट डाइल्यूट कर दिया। जी, उसके अंदर ये प्रावधान डाल दिया कि एक इंक्वायरी शैल बी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड एंड द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द सीनियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। आज तक हमारे लोगों की पहुंच थाने तक नहीं है। जी, दिल्ली और एनसीआर या कैपिटल मेट्रोपॉलिटन शहर की अगर हम बात करें तो वहां भी हमारे लोग आज थाने में जाने से डरते हैं, क्योंकि ये जो समाज है
यह समाज क्रिमिनल समाज नहीं है जी। यह समाज आज भी अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों में व्यस्त रहता है, तो थाने और एसीपी डीसीपी के पास जाने की आज भी इनके पास ताकत नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नया लॉ बना दिया जी। कि आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स के इस सीनियर ऑफिसर्स के पास जाइए। जब एससी एसटी एक्ट का सेक्शन रूल 7 ये बात कहता है कि एसीपी जो है एसीपी शैल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर द एससी एसटी एक्ट ऑफेंसेस, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे गाइड कर सकता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगता कि भारत के अंदर एससी एसटी पे अत्याचार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब डाटा की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस केस के अंदर बहुत सारे जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए भूल गया कि सबसे ज्यादा फेक केसेस 498 एक ही दर्ज होते हैं भारत के अंदर, तो आपको उसे स्ट्रक आउट करना चाहिए। सीबीआई के केसेस में 1% भी रेशियो नहीं है, तो सीबीआई को भी आपको खत्म करना चाहिए। उसके अलावा जो 138 के केसेस जो 2.5 लाख के आसपास पेंडिंग पड़े हैं, आपको उनमें भी खत्म करना चाहिए। तो जिस केस जिस अपराध में अधिकतर लोग अगर बरी होते हैं, तो क्या इसका मकसद यह है कि उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया जाए? अगर एक्ट को निरस्त करने की बात है, तो एनसीआरबी के जो डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डाटा है, जो एससी एसटी एक्ट को लेकर है, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा सुरेंद्र जी, कि जो एससी एसटी एक्ट के जो डाटा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं, वह गलत डाटा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को हर उस कंप्लेंट का डाटा देना चाहिए जो थाने में पेड हुई है जी। लेकिन नहीं, एनसीआरबी सिर्फ उसका डाटा आपको देगा जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है जी। ठीक है। और एफआईआर दर्ज होना और कंप्लेंट दर्ज होने में बहुत अंतर है जी। अगर हमने 1000 कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसमें से सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होगी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो एक एफआईआर दर्ज हुई है उसी के ऊपर कार्रवाई हो जी। ठीक है। और रही बरी होने का आधार जी, कि अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के अंदर में बरी हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह केस झूठा है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है जी, जो स्टेट है, वो उस केस को प्रूव करने में असमर्थ घोषित हुआ है। ये जो फॉल्ट है, स्टेट का फॉल्ट है, ये विक्टिम का फॉल्ट नहीं है, कंप्लेनेंट का फॉल्ट नहीं है। सपोज करिए कोई मुझे गाली देता है, अनुसूचित जाति की मुझे गाली देता है, एक्ट मुझे प्रोटेक्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहते हैं कि आपको दो जर्नल के गवाह लाने चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे जी। क्या इस प्रकार की जो गवाही की बात है? मैं क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करता हूं, ट्रायल के अंदर मेरे ऊपर एक ऑफेंस, मैं घर में बैठा हुआ हूं, मेरे में किसी ने गोली मार दी, तो मैं एक मरा हुआ आदमी या जिंदा आदमी कि किस प्रकार दो जनरल लोगों को लाएगा? मैं रहता हूँ एक अनुसूचित जाति बस्ती में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में सभी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, बाहर से 10 लोग आते हैं और जातिगत गालियां देते हो, मेरे ऊपर हमला करते हैं, तो मैं जब थाने जाऊंगा तो मुझसे पुलिस ऐसे इंट्रोगेट करेगी कि पहले आप दो जो गवाह है वो सामान्य श्रेणी के लेके आओ। सामान्य श्रेणी वो कहां से लेकर आएंगे? क्या क्रिमिनल लॉ का ये सिद्धांत है? मुझे सीआरपीसी में ऐसा कहीं नहीं मिला। जो गवाही की बात है वो ट्रायल में होती है, इनिशियल स्टेज में नहीं होती। तो फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं और हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जो सारे जो अपने जो वर्डिक्ट देते हैं, जो जजमेंट देते हैं, वो फैक्टलेस है। आपको सरकार, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट डाइल्यूट करते हुए किसी भी स्टेट से कोई डाटा नहीं मांगा। ठीक है। अगर सरकार डाटा मांगती और ये कहती कि ठीक है जी, हमें डाटा प्रोवाइड कराइए कि कितने ऑफेंसेस में सजा हुई है जी। सजा ना होना एक टेक्निकल ग्राउंड है, ठीक है जी। क्योंकि वहां विटनेस नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्ट झूठा है। और पांच जजों की बेंच ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, नेशनल कंपेन फॉर ह्यूमन राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल कंपेन वर्सेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने खुद ये बात मानी है कि बरी होना यह बात नहीं है कि एससी एसटी एक्ट के अंडर में मुकदमे झूठे हैं। प्रोसिक्यूशन फेल हुआ अपना केस प्रूव करने के लिए जी। और अगर प्रोसिक्यूशन फेल हुआ है तो सेक्शन 4 है एक एससी एसटी एक्ट का जी। सेक्शन 4 वो कहता है कि अगर कोई भी अधिकारी एससी एसटी एक्ट के अंडर में कार्रवाई नहीं करता, तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है जी। परंतु भारत के अंदर किसी भी अधिकारी को आज तक सजा नहीं हुई, ठीक है। किसी भी दूसरे एक्ट की अगर आप बात करोगे तो सब में बहुत सारे प्रावधान आपको मिलेंगे जी। तो जब हम जुडिशरी के रुख की बात करते हैं जी, तो जुडिशरी का जो रुख है वो बायस है जी। ठीक है।
उसके बाद आ जाता 13-point roster। हम पहला हमने एस सी एस टी एक्ट की बात की, फिर हम करते हैं 13-point roster की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे लोग भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है जी। वो चाहते हैं कि 200-point roster आए जी, ठीक है। वाई के सबरवाल की जजमेंट में 200-point roster आया जी। वाई के सबरवाल की जजमेंट में जी। उसके बाद जो अब जजमेंट आई है उसके अंदर यह आया है कि जब यूजीसी के अगेंस्ट में हम गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, 13-point roster शैल बी अप्लाई ऑन द डिपार्टमेंट बेस ओनली। कि जैसे जुडिशी का भी एक निर्णय आया वो एस सी एस टी डाइल्यूट करने जी, वाला जी। उसके बाद में उनका जो निर्णय आया था बहन जी के ऊपर जो जो मूर्तियां बनाई थी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे माननीय न्यायाधीश वो कहते हैं कि क्यों ना मैडम मायावती से जो जो उनके वर्डिंग है, वाई नॉट मैडम मायावती शुड पे द एक्सपेंडिचर ऑफ द एलिफेंट फ्रॉम हिज फ्रॉम हर ओन पॉकेट जी। भारत के अंदर इस प्रकार का जो जो सवाल है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जी, जो कि बहुजनों की पॉलिटिकल पार्टी है, जो एससी की पॉलिटिकल पार्टी है, जो एसटी की, जो पिछड़ों की, जो कि सवर्ण रिजर्वेशन की भी बात करती है, गरीबों की बात करती है जी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली एकमात्र पार्टी है, ठीक है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी जातिगत कोई भी बात नहीं की, वो देश की बात करते थे और जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी देश की बात करती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि क्यों ना बहन मायावती को अपनी जेब से वो सारा खर्चा देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीजें रेट्रोस्पेक्टिव लागू करनी चाहिए जी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जिस जिस सरकार ने जो जो मूर्तियां जहां जहां बनवाई है, जिस जिस नेता की बनवाई है, या तो उनसे लीजिए या उनके परिवार वाले से लीजिए, ठीक है। जो जो हम बात करते हैं सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर बहन जी ने भगवान बुद्ध ओबीसी समाज भगवान बुद्ध की भारतीयों की मूर्तियां बना के अगर गलती की है, तो इस भारत के अंदर जितनी भी मूर्तियां बनी हैं उन सबका पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी से लेना चाहिए। Definitely. फिर चाहे वो 3600 करोड़ की पटेल की मूर्ति हो, चाहे वो जितने भी, मैं किसी भी, आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, कच्छ से कोहिमा चले जाइए, कि जिस भी जगह पर जो भी मूर्ति जिसने लगाई है आप उसी पॉकेट से लीजिए। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि दलित समाज इतना सक्षम है कि उन मूर्तियों के पैसे अपनी जेब से देगा। जब साहब काशीराम के सिद्धांतों पर चलने वाले एक वोट और एक नोट की बात करते थे, तो वो जो एक वोट और एक नोट का सिद्धांत हम आज भी लागू कर सकते हैं अपने बहुजन समाज की अस्मिता बचाने के लिए, साहब काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। परंतु ये जो परिप्रेक्ष्य जो सवाल है कि सिर्फ बहन मायावती ने अपनी मूर्तियां लगाई है, वह जो न्यायपालिका की नजर में उचित नहीं है। फिर सुरेंद्र जी फिर आ जाता है 13-point roster जी। 13-point roster और 200-point roster था। देखिए एक ना संविधान में ये प्रावधान है अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अंदर कि हमें नौकरी और शिक्षाओं में सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर हमें कुछ प्रायोरिटीज मिलेंगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कुछ प्रायोरिटीज मिलेंगी। क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करके स्टेट को हमें हमारे प्रतिनिधित्व के हिसाब से हमें नौकरियां और हमें कुछ अवसर देने होंगे। सबरवाल वाई के सबरवाल एक जजमेंट आती है जिसके अंदर 200-point roster के आधार पे हमें जजमेंट का निर्धारण किया जाता है। उस जजमेंट के आधार पे वो जजमेंट सिर्फ इसी वजह से दिया गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो 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 एसटी कम्युनिटी है, जो अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी है, उन्हें 7.5% जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो 200 point के आधार पर उनका 15% रिजर्वेशन होगा। और जो एस सी है उनका 15 के आधार पर 30% रिजर्वेशन होगा 200 के अंदर। सपोज कहीं भी अगर नौकरी लगाने की बात होगी तो 200 अगर जॉब निकली है तो 200 में लगभग 30 आपको अनुसूचित जाति के लोग लेने पड़ेंगे और 15 आपको एस टी कम्युनिटी के और 27-56 आपको ओबीसी कम्युनिटी के लोग लेने पड़ेंगे। उसका निर्धारण इस प्रकार हुआ था कि उसके अंदर पहली सीट जो जाएगी वो अनरिजर्व को जाएगी जी, दूसरी सीट जाएगी वो अनरिजर्व को जाएगी जी, तीसरी सीट जाएगी वो अनरिजर्व को जाएगी, चौथी सीट जाएगी ओबीसी को जाएगी, पांचवी अनरिजर्व, छठी अनरिजर्व, सातवीं शेड्यूल कास्ट, आठवीं ओबीसी, नौवीं अनरिजर्व, दसवीं अनरिजर्व, ग्यारहवीं अनरिजर्व, बारहवीं ओबीसी, तेरहवीं अनरिजर्व,
14वीं एसटी और 15वीं एसटी अगर सपोज करिए 5 वैकेंसी निकली है तो पहली एस टी को दी, दूसरी एस सी को दी, तीसरी ओबीसी को दी, ठीक है, उसके बाद अनरिजर्व आएगा तो उसी रोस्टर के आधार पर, क्योंकि ये क्लियर नहीं था उससे पहले किस वाई के सबरवाल की जजमेंट से पहले कि भाई पहले एसटी को दे, एससी को दे, जनरल को दे या किसको दे, लेकिन जब वाई के सबरवाल की जजमेंट से पहले मान लो 5 पोस्ट निकली हैं तो 5 पोस्ट में से भी एक एससी को मिल जाती थी, एक एसटी को मिल जाती थी, एक ओबीसी को मिल जाती थी, दो अनरिजर्व को मिल गई तो 5 में से हमें मिली। सपोज करो 10 बार 5-5 की निकली तो हमें हमारा प्रतिनिधित्व उचित रूप से मिल चुका था। अब वाई के सबरवाल की जजमेंट आती है, वो कहती है 200 पॉइंट रोस्टर लागू करेंगे जिसके अंदर पहली अनरिजर्व, दूसरी अनरिजर्व, तीसरी अनरिजर्व, चौथी ओबीसी, पांचवी अनरिजर्व, ये सारी की सारी इन्होंने बना दी। लेकिन क्या इससे हमारा बैकलॉग भरा? आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, भारत के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट सफाई को छोड़ के ऐसा है जिसके अंदर अनुसूचित जाति का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व है? सफाई को छोड़ के, सफाई के अंदर तो आप ले लो ये बोल दोगे कि एससी एसटी जो ये है इनके लिए हम रिजर्वेशन दे देते हैं, ये इनका काम है और ये जो एससी एसटी लोग हैं इन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन अब 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर का जो निर्धारण होना चाहिए था वो ऐसे होना चाहिए था, पहली एससी को, दूसरी पहली एसटी को, पहली एसटी को दीजिए, दूसरी एससी को दीजिए, तीसरी ओबीसी को दीजिए, चौथी जनरल को दीजिए, पांचवी जनरल को दीजिए, छठी जनरल को दीजिए, सातवीं एसटी को दीजिए, आठवीं एससी को दीजिए, नौवीं ओबीसी को दीजिए, दसवीं ओबीसी को दीजिए, ग्यारहवीं ओबीसी को दीजिए, फिर आप जनरल को दीजिए, फिर एससी एसटी, ठीक है। अब ये रोस्टर का निर्धारण नहीं हुआ। भारत के अंदर ऐसा शायद 1% होता है, भारत के अंदर ऐसा शायद 1% होता है जब 200 वैकेंसियां एक साथ निकले, ठीक है। 200 वैकेंसियां कभी एक साथ नहीं निकलती, साल में यूपीएससी में निकलती हैं 300-350 के आसपास की नौकरियां निकलती हैं, कभी कभार जुडिशी में निकल जाती हैं। रही बात जो जो क्लरिकल ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं जैसे फौज में हो गई, वहां निकलती हैं, लेकिन वहां भी हमारा बैकलॉग खाली रह जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल। अगर सूटेबल कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, उसके बाद कह देते हैं कैंडिडेट अवेलेबल इज नॉट सूटेबल, ठीक है। तो जो 13 पॉइंट रोस्टर पे जब 200 पॉइंट रोस्टर जजमेंट थी, 200 पॉइंट रोस्टर जब जजमेंट थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तो आज तक ये 2019 तक ये नहीं दिखा कि वो 200 पॉइंट रोस्टर गलत था जी। लेकिन इतने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, 200 पॉइंट रोस्टर गलत था, 13 पॉइंट रोस्टर ठीक है, और हम जो लोग लड़ते हैं वो 200 पॉइंट रोस्टर पे लड़ते हैं। तो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि 200 पॉइंट रोस्टर भी सही नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि हमें 200 पॉइंट रोस्टर पे हमें शुरुआत समाज के सबसे गरीब पिछड़े तबके को करनी है। और आप एक बात बताओ, 10% रिजर्वेशन आप गरीबों को देते हो, ठीक है, तो आप ये काम करिए कि पहले आप एसटी को दीजिए, दूसरी आप एससी को दीजिए, तीसरी आप ओबीसी को दीजिए, और चौथी 10% जो रिजर्वेशन वाले हैं उन्हें दीजिए। लेकिन उसका निर्धारण आप कैसे करोगे, क्योंकि एक तो एससी एसटी है जिसकी इनकम 3 लाख, एक तो ओबीसी कम्युनिटी है जिसकी इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और एक 10% वाला जिसकी 10 लाख होनी चाहिए, तो ये आर्थिक रूप से असमानता उसमें आ जाएगी। परंतु सुप्रीम कोर्ट जब कहता है 13 पॉइंट रोस्टर, उसके बाद में आज सुरेंद्र जी, जी सर, आज एक गेम और खेला गया जी। आज एक गेम मैं आपको बताना चाहूंगा जी। आज एक गेम और खेला गया, कल से एक बात चल रही थी कि अध्यादेश आ सकता है, अध्यादेश आ सकता है। सभी जो हमारे समाज के जो प्रतिनिधित्व सरकार में बैठे मुंह चुप हाथ फेर के कहते हैं कि हम अपने समाज का हक नहीं मरने देंगे और हम अध्यादेश ला कर रहेंगे और हम 13 पॉइंट रोस्टर पे अध्यादेश ले आएंगे। तो एक अभी तक मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट वेदर दी ऑर्डिनेंस हैज बीन प्रोमुलेट और नॉट, कि मुझे नहीं पता कि अभी तक अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति जी ने उद्घोष किया है या नहीं किया। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो अध्यादेश लाया जाएगा
वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी यूजीसी के लिए लाया जाएगा। अच्छा, वो सबके लिए नहीं लाया जाएगा। वो सबके लिए इस वजह से नहीं लाया जाएगा क्योंकि अब आप अध्यादेश की भाषा, आप हो सकता है आज शाम को या कल सुबह तक अध्यादेश अपलोड हो जाए। और मेरी एक ऐसी शंका है, एक मेरा मेरे मन में यह संशय है कि उसके अंदर जो 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 13-point रोस्टर जो है यूनिवर्सिटियों के लिए ही आएगा, ठीक है। इससे एक और प्रॉब्लम हमारे लिए उत्पन्न होगी कि अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट उस पुरानी वाली जजमेंट को आधार मान के 13-point रोस्टर के आधार पर वैकेंसी निकालेगा तो वो जो प्रेजेंट का जो अध्यादेश है वो उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। या तो भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि 200-point रोस्टर पे 200-point रोस्टर की ये कहें कि जितने भी हमारे जितने भी संस्थान हैं जिसमें भी रिजर्वेशन संस्थान जितने भी भारत सरकार की मदद से चलते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो क्या कार्यपालिका हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट सर्विस हो या सेंट्रल सर्विस हो, सभी के अंदर 200-point रोस्टर के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन जो होगा वो मैंडेटरी होगा जी। वो मैंडेटरी होगा क्योंकि अभी तक जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सभी जब जब हमारे न्यायाधीश कहते हैं कि जो जो भाग तीन के अंदर जो जो रिजर्वेशन के जो जो प्रोसेस है वो इनेबलिंग प्रक्रिया है जी। और रिजर्वेशन को बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता जी। देखिए 200-point रोस्टर हो या 13-point रोस्टर हो जी, रिजर्व कैटेगरी के किसी भी एक अभ्यर्थी के पास यह पावर नहीं है कि वह अपने रिजर्वेशन को एज ए राइट लागू करवा सके। अच्छा सुरेंद्र जी, मैं आपको एक बहुत गहरी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आज रिजर्वेशन के मामले में जब हम लड़ते हैं, जब 13-point रोस्टर की बात करते हैं, 200-point रोस्टर की बात करते हैं, तो ना तो 200-point रोस्टर में ना ही 13-point रोस्टर में किसी भी कैंडिडेट के पास कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को सिलेक्ट करवा सके, ठीक है। जो बैकलॉग है वो बैकलॉग इसीलिए चलता आ रहा है और उसे चलने का रीजन ये है कि हम लोगों को जितना भी सपोज करिए कहीं भी आप जब ये कहते हो कि कैंडिडेट अवेलेबल इज नॉट सुटेबल फॉर दी पोस्ट, ये जो ये संविधान है उसकी अवहेलना है, ठीक है। हमें रिजर्वेशन लॉ ऐसा चाहिए, आप 13-point रोस्टर दो जी। आप 13-point रोस्टर दो लेकिन हमें मैंडेटरी हमें रिजर्वेशन दो जी। आपको आपको 13-point रोस्टर में जुडिशी में लागू करा दो, बिल्कुल ठीक। आप अगर हमारे यूजीसी से हटा रहे हैं, ठीक है, आप सब जगह लागू करो लेकिन उसके अंदर आपको पोस्ट फिल करनी पड़ेगी। आप कहते हो कि मेरिट की बात है, कंपिटेंट की बात है, कंपिटेंसी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इफिशियंसी बनी रहनी चाहिए, तो इफिशियंसी कौन निर्धारित करेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमें बैकलॉग चाहिए, आप 13-point रोस्टर पे दो या 200-point रोस्टर पे दो, लेकिन 200-point रोस्टर पे जो अध्यादेश आज सरकार ला रही है वह छलावा है क्योंकि वह मात्र यूनिवर्सिटीज के लिए होगा, यूजीसी के लिए होगा और टीचिंग स्टाफ के लिए होगा, बिल्कुल ठीक है।